ट्वीट कर दिया। बट फॉर नाउ अगर सारंग के ग्रेनेड की बात की जाए तो ये शायद कनेक्शन ढूंढ लेगा। एग्जैक्टली इट हैपेंड। शब्बीर गेमिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में और कोई बहुत ज्यादा बेहतर वेपन नहीं है, बावजूद उसके आप कॉन्फिडेंस देखे जी हाँ, ये स्टीमर शोडाउन के अंदर कुछ कंपेटिटिव प्लेयर्स आ चुके हैं डोमिनेट करने के लिए एंड शब्बीर के पास यूएमपी है, पोजीशन इनकी रिवील नहीं है एंड प्रिंस को टेक डाउन करने का मौका बट शायद जल्दी खड़े हो गए। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि पोजीशन रिवील नहीं है, बहुत ही आराम से इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो रिवील कर दी एंड बिना सिंगल एचपी के डैमेज दिए प्रिंस ने इन्हें कर दिया है यहाँ पर नॉक एंड फिनिश। आपको कमबैक आता दिख रहा है? बिल्कुल कमबैक आता हुआ दिख रहा है। ये देखिए नेगेटिव को यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है, कोशिश पूरी रहेगी। नहीं नहीं कमबैक बिल्कुल आ सकता है, हम इतना ज्यादा अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं पर मुझे तो ये सैंडविच सिचुएशन भी लग रही है, लग नहीं रहा जैसे मैक्सिम को यहाँ पर इतनी ज्यादा आसान होने वाली है। नेगेटिव जब नॉक किया गया तो शायद रिवाइवल मिल जाएगा, बाकी वो बिल्ड अप कर चुके हैं सामने। आपको साइको फैन नाम के खिलाड़ी मिलेंगे जिन पे बैक टू बैक विकेट्स किए जाने वाले, कनेक्शन खास मिल नहीं पाया। सेल सलमान थ्रू डाउन आई थिंक अगर खड़े होके थोड़ा सा अग्रस करते हैं, दिखाते हैं कुछ कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली मौका मिलेगा। बट जो इतनी देर से क्रिएट किए जा रहे थे उनसे एचपी का तो लॉस किया उस पर्टिकुलर टीम ने, बट सारे फिनिशर्स पीछे बैठी मयूर गेमिंग ले गई। मैं बस यही बोला था कि मयूर गेमिंग पिक्चर्स देखिए, आप मुझे पता था सवाल पूछेंगे तो इस ट्रैप है। हाँ एग्जैक्टली अब इसे मयूर गेमिंग को लगा कि हम जीत रहे हैं। हाँ। वो सारे के सारे प्लेयर्स आगे बढ़े, एक प्लेयर को आगे भेजा कीरा वाईटी को, अब देखते हैं क्या यहाँ पे पता चलेगा। कीरा वाईटी जब आगे जाएंगे तो पता चलेगा अच्छा ये तो एक जाल द ट्रैप था, एक मूवी का भी नाम है ये। तो फास्ट लिया गया उन्हें और अब अननोन यहाँ से आपको क्लच करके दिखा देखेंगे। लीजिए ग्रेनेड आते दिख रहे, स्मोक आते दिख रहे बट अननोन वो अभी बचे क्योंकि वो नोन नहीं है ना, किसी को पता ही नहीं कि वहां बैठे। और अब अननोन की तरफ से आपको देखिए एक क्या देख लगातार पिकअप साथ देखेंगे और मैक्सन अब वो बाहर निकलेंगे और देखिएगा एक स्प्रे में तीन तीन प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे। वेल आप थोड़े से ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल हो गए, मुझे तो वो मॉली थोड़ी सी ज्यादा घातक लग रही है बिकॉज ये लीजिए मॉली तो मॉली, ग्रेनेड भी यहाँ पर आ गया और आप जिसकी बात कर रहे थे कि वो अननोन है, उनकी पोजीशन जो है वो रिवील नहीं है, शायद आप कुछ चीजों से अननोन है, जो प्रेडिक्शन थी आपकी वो धरी की धरी रह गई। उनके बाद क्या यहाँ पे पुश आएगा या थोड़ा होल्ड आएगा, लेकिन लीजिए एक अच्छी खासी ग्रेनेड जाएगी और एक कनेक्शन नहीं ढूंढा बट स्प्लैश डैमेज काफी अच्छा दिया और अब दिक्कतें बढ़ने वाली क्योंकि अब आयुष को समझ आ चुका है उनके ऊपर पुश आने वाला है। वेल अस्तर की स्क्वाड ऑलरेडी नंबर्स एडवांटेज में काफी पीछे है, सिर्फ आयुष एंड एक और खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। रॉकी जी ने नॉक किया गया था, पूरे तरीके से फिनिश अप कर दिया जाएगा एंड अस्तर यहां पर कोशिश करेगी, अपनी स्क्वाड को कोशिश करेगी कि जिन्हें नॉक कर रहे हैं उन्हें पूरा फिनिश अप करें। बट उसी के चलते एक और जो कैजुअलिटी है वो आई थिंक अस्तर की लाइन अपने खेलती है आयुष M249 के साथ। देखते हैं कितना बढ़िया रैप मोड यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, बट सामने M249 है एंड दोनों के लिए बाहर करंट को इनिशियल डैमेज ज्यादा लगाया है। एक्चुअली मैं 1v2 नहीं 1v3 इनको करना पड़ेगा, लेकिन पुश कर देना चाहिए जानते हुए कितने सारे नंबर्स इनके साथ फाइट है बट सिस्टम काफी इजीली ने डाउन कर देंगे। कुछ बढ़िया थ्रोबल्स का यूज किया जाने वाला है, ब्लाइंड सिया की जो ये लाइनअप है ग्रेनेड्स की बारिश जरूर से करना चाहेगी, बट उससे पहले देखने वाली चीज ये रहेगी क्या अल्फा क्लैशर की स्क्वाड से कुछ ट्रेड ग्रेनेड्स देखने को मिल सकते हैं, क्या मौका बनाया जा सकता है यहाँ पर कुछ और सामने से नॉक्स निकालने का। बट नहीं, फ्लैश ने यहाँ पे विद इन फ्लैश ऑफ अ सेकंड विद इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकंड अपनी यूएमपी के चलते एक और प्लेयर को नॉक कर दिया, डाउन टू टू न्यूक्लियर एंड जॉनी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सराज जी की प्रेडिक्शन दांव में लगी हुई है बट शायद इतना ज्यादा आसान होने नहीं वाला। टीपी एडवांटेज के पास ही न्यूक्लियर अपनी यूएमपी के चलते एक नॉक ऑलरेडी कर चुके हैं, दोनों प्लेयर ऊपर आ रहे हैं उनके एचपी ज्यादा कम है बट न्यूक्लियर यहां पर हो जाएंगे डाउन। वाली चीज ये रहेगी कि जो बाकी टीम प्लेयर्स बिल्कुल ऊपर से पुश करने जाने वाले हैं क्या मौका मिलेगा संचित को उन्हें डाउन करने का, बिकॉज संचित के अपने पोजीशन के लिए और बिल्कुल ऊपर से ये जाते जा रहे हैं हाइट एडवांटेज पे। संचित प्रिंस को डाउन करने में उतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए, पहली सवाल में दैट सिंगल एचपी एंड ही गोस ऑन एज वेल। सारंग जंप शॉट देंगे बट कनेक्शन जो है वो ईगल गेमिंग की तरफ डाल दिया जाएगा, बट जो दो प्लेयर्स नॉक है शायद उन्हें रिवाइवल नहीं मिल पाएगा। चार टीमें 13 खिलाड़ी हैं, डेडपूल जैसा नाम वैसा काम, एक के बाद एक लगातार पूरा का पूरा पूल बिछाए जा रहे हैं क्रेट्स का। बैक टू बैक एमवीपी के प्रबल दावेदार पिछले मैच में 8 इसमें 6 ब्लाइंड जिया की स्क्वाड रुकने का नाम नहीं ले रही है बट मुश्किल स्थिति में अब आ चुकी है, एक दो नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है सेम टाइम होने वाला है। रेड जिगल तो करना चाह रहे हैं बट स्प्लैश डैमेज एक बार फिर से लगाए, इक्वेशन खराब होती हुई यहां पर कैस्ट्रो की स्क्वाड की। बट बात की जाए अगर जिया की लाइनअप की तो लगातार आगे बढ़ के पाउंस ऑन करने की कोशिश करते हुए डेडपूल अनचैडो को डाउन किया जाने वाला है। डेडपूल अपना एकेएम का एडीएस खोल के बिना कोई खास डैमेज लिए फ्लैश को कर देंगे डाउन, ओपन से आ रहे दो और प्लेयर्स बड़े एक बार फिर से ग्रेनेड्स, लाइक मैं कह सकता हूं कि कैस्ट्रो की स्क्वाड के पास ग्रेनेड्स नहीं थे बट भर भर के ग्रेनेड्स बचा के रखे हुए थे ब्लाइंड जिया की लाइनअप ने। इट्स अ लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम शैडन, इट्स नेवर गोना बी इजी, बेली सर्वाइविंग ऑन दैट एचपी एंड शायद जोन से एलिमिनेट हो गए। इक्वे दो तीन आएंगे सबको यहां पे फिनिश अप करूंगा, क्लच करूंगा नहीं तो जाते जाते एक फिनिश पॉइंट जरूर लेके जाऊंगा। देखते हैं वो चीज मुमकिन हो सकती है नहीं, लग नहीं रहा वो होने वाले बिकॉज मैडमैन बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सपी हो चुका है, अब तो इन्हें जोन से ही डाउन हो जाना चाहिए बट बावजूद उसके जैसा मैंने चाहा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ।
जाते जाते भी ब्लाइंड जैगिलैन अपने एक और फिनिश पॉइंट निकाल लिया। कूडोस टू कालिन जो 8 फिनिश लेके जा चुके हैं 14 फिनिश पॉइंट्स के साथ का ये एक बड़ा ऑलमोस्ट 30 बॉम्बर मैच, लाइक 29 पॉइंट्स, बट आई वुड स्टिल से कि ये 30 बॉम्बर फटाकेदार मैच था। लेकिन सारे फिलहाल सीधा इंटर करते हैं, इन्फो नहीं था या फिर इसी तरीके की जो मानसिकता थी कि डायरेक्ट अंदर जाएंगे फाइट करेंगे, खैर उनके कंट्रोल पे वो चीजें हो नहीं पाई। इसकी बात करें तो काफी ज्यादा पीछे से कवर पाए दे रहे और नॉक आउट भी कर दिया जाएगा। ये थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर था क्योंकि इतने ज्यादा ओपन में हम जाते आप रेंडर हो जाते, अगर लॉन्ग रेंज की फाइट रहे तो काफी आसानी से आपके अपोनेंट आपको देख लेते। बट स्नाइपर एंड 420 विद सेक्सी किड 96, लाइक नाम काफी यूनिक एंड काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बात की जाए अगर सोलो हाउस कंपाउंड की तो एक अच्छा अग्रेसिव पुश ब्लाइंड जिया के स्क्वाड के ऊपर आ चुका है एंड यूटिलिटी यूसेज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी सोलो हाउस की फाइट में। यहाँ से बचना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि देखिए हर एंगल से कंपाउंड को घेरा जा चुका है। ग्रेनेड की अच्छी खासी यहाँ पे मात्रा हमें यूज होती हुई से देखने को मिल सकती है और अटैक कुछ इसी तरीके से जा रहा है कि वहाँ पे सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। एक एक करके बात करें खिलाड़ियों को बाहर करेंगे और आखिरी खिलाड़ी फिलहाल उस फर्स्ट फ्लोर पे जाके रुके हुए जो कि फ्लैश होने वाले, देखते वो फ्लैश कितने समय तक अपने आप को संभाल करेंगे। चलिए अच्छी बात है कि दूसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पे रिवॉल्व मिल जाएगा, हेल्थ रिकवर कर लेंगे और ग्रेनेड फिलहाल वहाँ पे सीढ़ियों पे किए जा रहे हैं। हम जानते हैं कई बार ये फायदेमंद रहते हैं बट नुकसान यहाँ पे होने की संभावना रहेंगे। अलग अलग एंगल से बात करें जो स्प्लिट करके थे उसका फायदा कहीं ना कहीं मिल रहा है, उसके बाद ये जो ग्रेनेड जा रहे हैं उससे बचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। फ्लैश की बात करें तो वहाँ पे कार्ल से नॉक किए गए थे और उन्हें फिनिश भी उसी के साथ जरूर समय करते हुए देखने को मिला और दो ब्लेस को नॉक किया था जिससे एक फिनिश पॉइंट काश्मीर के स्क्वाड के माइटी ने ऑलरेडी सील आउट कर लिया है। शब्बीर बढ़िया नॉक निकाला है, क्या ये क्लास होने वाला है? जी हाँ, फरारी पीक के चलते दूसरे प्लेयर भी डाउन कर दिए गए हैं। वहां से अब दो खिलाड़ियों ने आना है, एक का नाम रहेगा काइनेटिक है, दूसरे खुद सिस्टम। ग्रेनेड भी बेहतर है, ये प्लेयर क्लच करता हुआ लग रहा है, पूरा चांस है यहाँ पर कि शब्बीर एक क्लच यहाँ पर करके जा सकते हैं। क्या सिस्टम को डाउन किया जाएगा? नहीं, सिस्टम काफी तेज चतुर चालाक, दो प्लेयर्स जो नॉक थे उन्हें एक एक करके रिवाइवल मिल जाएगा। रुककर स्नाइपर टावर के पीछे अपनी पोजीशन रिवील आउट कर लेते हैं तो कुछ ग्रेनेड्स के चलते आपको डाउन कर दिया जाएगा। अब पुश आने दे रहे हैं, ये लीजिए पुश आ भी गया, अब तो यहाँ पर डू एंड डाई वाली सिचुएशन बन जाती है। रैप को अपनी ग्रोजा एंड अपने क्लोज रेंज पे पूरा भरोसा था, वो चाहते थे कि जोन आ जाए या पुश आ जाए, देखा जाएगा जो होगा, बट पुश के चलते क्लच करने की कोशिश। लेकिन मेरे बोलते के साथ ही उनके दो खिलाड़ी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं लेफ्ट साइड से, जरूर से एक लगा मुश्किल हो सकता है बट अपने आप को वापस से कवर में लाके बैंडेज अप्लाई करेंगे। वक्त के साथ प्लीज दिखता है जहां पे भी वो खाली इलाके रहता है एग्जैक्टली वहीं पे शिफ्ट यहाँ पे आता हुआ देखने को मिलता है। साउथ ईस्टर्न इस बार हमें शिफ्ट देखने को मिल जाने वाला जहां पे ये चारों के चारों टीम सर्कल के बाहर जा चुके हैं। इसकी बात करें सीधा आगे बढ़ रहे इनके सामने, वो प्रो ने क्या इन्हें अंदाजा अभी तक का नहीं था बट अब इनके पैर को स्पॉट करेंगे, बड़े आराम से एलिमिनेट किया जाएगा। तो ये एक एक करके दोनों हैशटैग्स में जरूर से पुश करने वाले हैं। स्पॉट कर लिया गया है प्लेयर नंबर 1 को, स्पॉट कर लिया जाएगा प्लेयर नंबर 2 को भी, बट जहां रुके वहां मिनातो थे। मिनातो ने एक प्लेयर को नॉक तो कर दिया बट क्या आयुष पूरे तरीके से इस क्लच को अंजाम दे पाएंगे? बिकॉज अलग अलग एंगल से आयुष के ऊपर डैमेज आने वाला है, आयुष जो की बेयरली सर्वाइव करते करते फिनिश ऑफ हो जाएंगे। चिकन जाएगा कास्ट्रो गेमिंग के नाम एक बार फिर से।